प्यारे दोस्तों, कैसे ज़ीशान खान रोखड़ी को शेख रशीद ने अपनी लाल हवेली में बुलाया और इनकी ऐसी मेहमान नवाजी की जिसकी खुद ज़ीशान खान रोखड़ी ने भी तारीफ की और इनको कीमती गिफ्ट के साथ साथ इन पर लाखों रुपए लुटा दिए और देखने वालों का मुंह खुला का खुला रह गया। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हैरान कन और बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाली है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ में मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, 31 दिसंबर 2020 की वो खूबसूरत शाम ज़ीशान खान रोखड़ी को तो क्या बल्कि उस महफिल में मौजूद सब लोगों को कभी नहीं भूलेगी। शेख रशीद ने अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पर ज़ीशान खान रोखड़ी को मधु किया था और वहां पर इनको स्पेशल गेस्ट के तौर पर भी ठहराया। ज़ीशान खान रोखड़ी की मीठी और सुरीली आवाज़ ने उस रात की महफिल में चार चांद लगा दिए थे। इन्होंने उस तकरीब में लाइव कॉन्सर्ट भी किया और वहाँ पर शेख रशीद साहब के तमाम अजीज़ो अकारिब मौजूद थे। शेख रशीद साहब ने ज़ीशान खान रोखड़ी की आवाज़ की बहुत ही ज़्यादा तारीफ की और उनके दोस्त ने ज़ीशान खान रोखड़ी को एक खूबसूरत घड़ी गिफ्ट के तौर पर भी दी। उन्होंने ये घड़ी स्पेशल कतर से मंगवाई थी जो कि एक स्पेशल गोल्ड और डायमंड कट में थी और इस घड़ी की कीमत पाकिस्तानी रुपये में 10 लाख से भी ज़्यादा बताई जाती है। और इसके अलावा शेख रशीद ने ज़ीशान खान रोखड़ी पर पानी की तरह पैसा बहाया और वहाँ पर बैठे सब लोग हैरान और परेशान हो गए और वहाँ बैठे सब का मुँह खुला का खुला रह गया। प्यारे दोस्तों, ज़ीशान खान रोखड़ी का शुमार ना सिर्फ फोक सिंगर्स में बल्कि इनका शुमार पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े सिंगर्स में होता है। इन्होंने इंटरनेशनल सतह पर बहुत ही ज़्यादा शोज परफॉर्म किए हैं और सराइकी और पंजाबी सॉन्ग में जिद्दत लेकर आए हैं। यूट्यूब पर मौजूद इनके सॉन्ग्स को लोग ना सिर्फ लाखों में बल्कि करोड़ों की तादाद में देखते हैं और इनके सॉन्ग्स को इंटरनेशनल सतह पर पसंद किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी शेख रशीद और ज़ीशान खान रोखड़ी की नाइट पार्टी के मुतालिक वीडियो। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल मलिक फैजान प्रोडक्शन को सब्सक्राइब और इसके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।